चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। महिला के साथ होटल में मौज मस्ती करने के आरोपी सारथी बाबा को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सारथी बाबा पर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। आपको बता दें, पिछले दिनों सारथी बाबा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में सारथी बाबा जीन्स और टी शर्ट पहने हुए नजर आए थे। ओडिशा में स्वयंभू संत हैं, जिन पर आरोप है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, और पूछताछ के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के होटल में महिलाओं के साथ मौज मस्ती का उन पर आरोप लगा है। सारथी बाबा पर हैदराबाद के एक होटल में एक महिला के साथ रुकने और मौज मस्ती करने का आरोप है। आरोप है कि होटल में बाबा ने चिकन खाया और शराब पी। बताइए, कहने को ये बाबा हैं, चिकन भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और महिला के साथ इस तरह का आरोप भी इन पर लगा है। इन आरोपों के बाद केंद्रपाड़ा में सारथी बाबा के आश्रम के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए आश्रम के आसपास धारा 144 लगा दी गई थी। न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। श्रीवत्सन, और क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को ऐसा कहा जा रहा है कि उड़ीसा की एक स्पेशल टीम हैदराबाद आई थी, जहाँ पर होटल गोलकुंडा, जो कि मासब टैंक में बना हुआ है, वहाँ पर यह बाबा होटल गोलकुंडा में ठहरा हुआ था अपनी एक महिला मित्र के साथ, और उसी दौरान इन्हें रंगरेलिया मनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त जो उड़ीसा पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के सहयोग से जो इस बाबा की ढोंगी बाबा के खिलाफ जो अभियान चलाया था उन्हें पकड़ने का, उस दौरान कमरे में शराब की काफी सारी बोतलें पड़ी थी और नॉनवेज भी काफी सारे थे, चिकन वगैरह भी रखे हुए थे। उसके बाद क्योंकि उड़ीसा पुलिस के पास पहले ही इन बाबा के खिलाफ एक गिरफ्तारी का वारंट था, और उसी को बताते हुए हैदराबाद के जो वेस्ट जोन पुलिस है उसके सहयोग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अच्छा, आश्रम के बाहर बताया जा रहा है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बन गया था, जिस वजह से धारा 144 भी लगानी पड़ी। अभी फिलहाल क्या स्थिति है श्रीवत्सन? यदि इस सारथी बाबा की बात करें तो ये काफी बड़े बाबा थे और स्वयं वो अपने आप को बाबा बताते थे। जल्दी ही इन्होंने चाहे और इनके समर्थकों ने कुछ ऐसी बातें, चमत्कार की बातें फैलानी शुरू कर दी कि लोग इनके भक्त बनते गए। और लेकिन जैसे जैसे कुछ समय पहले जब सोशल मीडिया पे इनकी जो फोटो है जिस तरह से सामने आई है, उसके बाद भक्तों के बीच इनका काफी गुस्सा एक तरह से सामने आया था, और उसके बाद से ही ये बाबा फरार हो गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चंडीगढ़ भी गए थे, गोवा भी गए थे, और उसके बाद वहां से ये हैदराबाद पहुंचे थे, जहां से इनकी ने गोवा पुलिस की विशेष टीम ने हैदराबाद पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। जहां तक आश्रम की बात है, भक्त काफी नाराज है क्योंकि उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। ये बाबा कल तक जो धार्मिक प्रवचन देकर उन्हें सुधारने की बात किया करते थे, जब उनका इस तरह का चेहरा सामने आया तो निश्चित तौर पर भक्तों की भावना आहत हुई थी, और यही कारण है कि जो उड़ीसा पुलिस है उसने भी धारा 144 लगा दी है इनके आश्रम के आसपास, और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इन पर आरोप लगा है, और कहने को ये धार्मिक गुरु हैं, चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं, और महिला के साथ रंगरेली करते हुए पकड़े गए हैं। तो फिलहाल ओडिशा में स्वयंभू संत सारथी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप इस बाबा पर लगा है। हैदराबाद के होटल में महिला के साथ मौज मस्ती का आरोप इन पर है। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप इन पर लगा है। केंद्रपाड़ा में सारथी बाबा के आश्रम के बाहर जमकर हंगामा हुआ और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए धारा 144 तक वहां पर लगानी पड़ी थी, और आज पुलिस ने पूछताछ के बाद सारथी बाबा की गिरफ्तारी कर ली है। और अगर एक धार्मिक गुरु का इस तरह का चेहरा सामने आता है तो वाकई जो लोग उन्हें मानते हैं, उनके दिए हुए धार्मिक संदेशों का पालन करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचती है, और यही आरोप इन पर लगा भी है। फिलहाल एक होटल में ये एक महिला के साथ मौज मस्ती करते हुए पाए गए थे, वहां से शराब भी बड़ी तादाद में मिली थी। कहने को धार्मिक बाबा, और इस तरह का चेहरा सामने आया है सारथी बाबा का।